बुलबुल, कल तुमने गलती से भांग पी ली थी। वाह वाह, भांग पी ली थी? कहीं मैंने भांग पी के सहरसा को अपनी असली नहीं, क्या लिखा है इसमें? इसने तुम्हारा सर बहुत दुख रहा होगा, तो दवाई खा लेना और नींबू पानी भी रखा है। सात बज गए, पूजा भी करनी है, उसके लिए फिर मैं देरी कर दूंगी। खाटू श्याम जी, बस भांग पी के मैंने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो, कुछ बोल ना दिया हो थानेदार साहब को। बुलबुल ने कल रात भांग पी ली? हाँ, उसने पी ली थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि शिवरात्रि वाले प्रसाद वाली ठंडाई में भांग मिली हुई, उसने जानबूझकर नहीं पीमा। क्या बुलबुल ने? ये लड़की भी, आंटी जी आई एम रियली सॉरी, वो बुलबुल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पता नहीं कैसे वो बच्ची है ना, कभी कभी बच्चों वाली हरकतें कर देती, लेकिन ठंडाई और भांग में फर्क कैसे नहीं पता चला उसे? अरे अच्छे घर की बहू है, उसे ऐसा नहीं करना। कोई बात नहीं, और इंसान से कभी भी गलती हो सकती, और वीर ने कहा ना कि उसने ठंडाई ग्रहण करी प्रसाद समझकर, उसे नहीं पता था कि उस ठंडाई में भांग मिली हुई है। क्या बात है माँ, मुझे लगा आज आप फिर भाभी को डांटोगे या उनके नंबर माइनस करोगे, पर आप तो उन्हीं की टीम में हो गए। इसका कारण मन्ने पता है। क्या क्या कारण है पापा, मुझे भी बताओ ना प्लीज। ये उस समय की बात है जब मैं जवान था, थारी माँ जवान थी, हमारी पहली होली थी, और थारी माँ ने भी गलती से भांग मिली हुई ठंडाई पी ली थी, और फिर उसके बाद जो हुआ सो हुआ। फिर भी अगले दिन मैं नहा धोकर सुबह सुबह पूजा के लिए नीचे आ गई थी ना, लेकिन वीर की पत्नी तो अभी तक। उस घर को तो मैं छोड़ के जाने वाली थी, वो तुम्हारी गुड़ की ढेली ने मारे को रोक लिया, कहा नहीं बुलबुल, तू अपने सासरे वालों को, अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, तुझे अपनी शादी निभानी पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीजें करके बाबा ही लूट ले बुलबुल, लेकिन आज जब तेरी कुंडली बनकर आएगी तो उसमें छुपे सच के धमाके में तेरी अच्छाई और तेरे रिश्ते सब बिखर जाएंगे। खुश रहो। थानेदार साहब तो खुद मारे हाथ से आरती लेते, फिर आज। माँ, कमिश्नर साहब का फोन है। हाँ। जैन सर। आंटी जी, आज भगवान को चढ़ाने वाला भोग का प्रसाद मैंने बनाया है, सेवई वाली खीर, सुबह उठकर सबसे पहले वही बनाई, मैं बस लेकर आती हूँ। रुकिए जी, लेकिन भोग तो लगना ही है ना? हाँ माँ साहब, लेकिन दृष्टि चीची ने जो खीर बनाई है वो हम भोग में नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते वो भोग में? क्योंकि माँ साहब वो दूध कल की थी, और दूध वाले काकू साहब तो सुबह 8 बजे ही आ जाते, इसलिए मैंने पहले ही शीरा बनाकर भगवान जी को भोग चढ़ा दिया था।
माँ, कमिश्नर साहब का फोन आया था। राणा चुंडावत नाबालिग लड़कियों को बेचने का रैकेट चलवाता था, मदद करता था, उसका पर्दाफाश किया था मैंने, इसलिए मेरा डिपार्टमेंट मुझे फेलिसिटेट करना चाहता है और आज सारा डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट घर आने वाला है माँ। फैसिलिटेट का मतलब? अरे भाभी, फैसिलिटेट नहीं, फेलिसिटेट होता है, जिसका मतलब है आज वीर भाई को ना बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है उनके डिपार्टमेंट की तरफ से। सच्ची? हाँ। ठाकेदार सर, बड़ा वाला कांग्रेस। बहुत खुशी की बात है, आज का दिन कितना अच्छा है, तुझे अवार्ड मिलने वाला है। बुलबुल देखो ध्यान से सुनना, वीर के साथी और बड़े अफसर आने वाले हैं आज रात, किसी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ साहब बिल्कुल चिंता मत करिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। थानेदार साहब, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, वो रतन के खिलाफ जो FIR दर्ज की थी उसके रिगार्डिंग कुछ बयान रिकॉर्ड करने हैं। जा, भोग का प्रसाद बना ले। बिल्कुल तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कि तूने जानबूझकर मेरी पहली रसोई खराब की? मेरे बनाए हुए भोग को भगवान को चढ़ने नहीं दिया। रुक बुलबुल, अब तेरे ज्यादा दिन ही बचे हैं इस घर में। हेलो पंडित जी, अब बुलबुल की कुंडली तैयार हो गई? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक दिन और लग जाएगा। ठीक है, बस एक दिन और, जल्दी से अपनी तबीयत ठीक कीजिए और हर हाल में मुझे वो कुंडली चाहिए, वरना अपनी याददाश्त के साथ अपनी दक्षिणा भी भूल जाइएगा। मतलब कि बुलबुल ने मेरी चिट्ठी पढ़ ली, भांग के नशे में उसने जो कुछ भी बोला था मैं शायद उसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली। सुंदर लगी, खूबसूरत, सिंगामर सर, हमने सारे गवाहों के बयान ले लिए हैं सर, रतन अब हमसे ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। भाभी साहब के घर में आग लगा के डायरेक्ट पंगा लिया है उसने हुकुम, अब वो बचेगा नहीं हमसे। सिंह, अमर, जो भी अपडेट हो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करते रहना। जो हुकुम। नमस्ते। हेलो। नमस्ते। हाय। अरे रिंकी। डीआईजी साहब, विशेष भाई, मैं डीआईजी साहब से मिलके। सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। By the way, this is for you. Thank you, sir. Meet my wife, Shalini. Hello, ma'am. Hello. He's our dynamic SAP, Veer Pratap Singh, our pride. Sir, main maa aur papa ko bula leta hoon. Sure, why not? Maa, papa? DIG sahab. अरे आइए। आई एम एक मिनट में। माँ पापा ये नमस्ते। DIG साहब राजवत जी और उनकी वाइफ शालिनी जी। नमस्ते। आप बुला? अभी आ गए। अरे अभी टर्न मत हो, जब मैं बोलूं तब पलट, पर दिल थाम क्या, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। भाभी बहुत सुंदर लग रही। लगेगी, आखिर मेरे पसंद की साड़ी जो पहनी। ये साड़ी आप लेके आए हो? नॉट बैड। हाँ अब हो जाइए टर्न। अगर छोरी के दिल में प्यार ना हो और रिश्ते से खुश ना हो तो हजार वाली ढूंढ लेगी, लेकिन आपका दिया हुआ तोहफा दुनिया के सामने नहीं पहनेगी। आज मेरी दी हुई साड़ी ना पहनकर तुमने ये साबित कर दिया बुलबुल कि तुम इस शादी में ना खुश हो, मेरे साथ से ना खुश हो। तुम्हारे लिए शादी सात फेरों का नहीं, जबरदस्ती का बंधन है।